हेलो दोस्तों, वेलकम टू दुसंत एजुकेशन। ये वीडियो है उन सभी के लिए जो SI बनना चाहते हैं, SI की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट SI बनने की, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्ज़ाम डिटेल्स, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को आखिर तक देखें और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं SI सब इंस्पेक्टर किसे कहते हैं। सब इंस्पेक्टर को हिंदी में उप निरीक्षक कहते हैं। एक पुलिस अधिकारी जिसका रैंक एक निरीक्षक के नीचे, मतलब इंस्पेक्टर के नीचे और हेड कांस्टेबल के ऊपर आता है, वो सब इंस्पेक्टर होता है। SI भारतीय पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत अदालत में चार्जशीट डायर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो सब इंस्पेक्टर के कार्य क्या होते हैं पहले हम वो जान लेते हैं। एक सब इंस्पेक्टर, जिसे हिंदी में उपनिरीक्षक कहते हैं, का कार्य कुछ पुलिस कर्मियों जैसे हेड कांस्टेबल, पुलिस चौकियों आदि को कमांड देना होता है। SI वे अधिकारी होते हैं जो भारतीय पुलिस के रेगुलेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कोर्ट में चार्जशीट डायर कर सकते हैं। आमतौर पर यह पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं। सब इंस्पेक्टर के अधीन कोई भी अधिकारी चार्जशीट डायर नहीं कर सकते, लेकिन उनकी तरफ से मामलों की जाँच कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सब इंस्पेक्टर के कार्य क्या होते हैं और सब इंस्पेक्टर होता क्या है। सब इंस्पेक्टर की हम सैलरी की बात करते हैं, तो इनकी सैलरी 42,000 42,055 प्रति माह के आसपास होती है, ठीक है। अगर हम SI एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, और अगर आप फायर ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप साइंस से ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और नेशनलिटी की बात करते हैं तो आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और साथ ही में अगर आप टिबेटन रिफ्यूजीज़ हैं तो 1 जनवरी 1962 के पहले के हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो कुछ अलग डिटेल है जो मैं आपको बता देता हूँ। और एक और ये है कि इंडियन ओरिजिन पर्सन सेटल्ड परमानेंटली इन इंडिया, तो जो भी पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, केन्या, उगांडा, यूनियन रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, इन जगह से जो भी हैं और जो इंडिया में परमानेंटली सेटल हो चुके हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम यहाँ पे 25 लिखा गया है, 28 साल होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। और बाकी आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में। जैसे SC ST वालों के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, और OBC वालों के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तीन स्टेज होती हैं। पहला रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड जो है डॉक्यूमेंटेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और थर्ड जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। और इसके बाद जो लास्ट जो स्टेज होती है वो होती है मेडिकल। तो अब हम रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो ये टोटल 400 मार्क्स का होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ऑनलाइन टेस्ट। इसमें टोटल 160 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का होगा। इस तरह से 400 मार्क्स के आपके 160 क्वेश्चन होंगे। आपको जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। सिर्फ जनरल हिंदी जो सब्जेक्ट है वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। अगर हम और अंदर जाते हैं तो जनरल हिंदी जो है आपका 40 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में 100 मार्क्स के, और आपको कम से कम 35 मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए सब्जेक्ट। सेकंड जो है लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इसमें जो है आपके 24 क्वेश्चन आएंगे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से और 16 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज से। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का ये होगा, और इसमें भी आपको 35 मार्क्स चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए। तीसरा जो है वो है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो इसमें जो है आपके क्वेश्चन 40 होंगे 100 मार्क्स के, और इसमें आपको 35 मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई के लिए। इसी तरह से मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंट टेस्ट या फिर टेस्ट ऑफ रीजनिंग का है, तो इसमें भी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 35 आपको लाने होंगे। आगे अगर हम चलते हैं तो इसके बाद जो होगा वो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट।
फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जनरल ओबीसी एससी मेल जो है उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है 79 से 84 ठीक है 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, और एसटी मेल जो है उनका 160 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट जो है 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। ठीक है, जनरल ओबीसी एससी फीमेल जो है उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर और चेस्ट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, और एसटी फीमेल जो है उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर और चेस्ट नॉट एप्लीकेबल। कुछ और पॉइंट पे ध्यान देते हैं, तो मिनिमम 40 केजी वेट जो है फीमेल कैंडिडेट का होना ही चाहिए, कम से कम 40 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपांसन चेस्ट में होना ही चाहिए, नेसेसरी है, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसके बाद जो है वो होगा पीईटी, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको रनिंग करनी होगी। ठीक है, जिसमें रनिंग रेस होगी। ठीक है, और ये क्वालिफाई रेस होगी, अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। रेस की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट जो होंगे उनको 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में करना होगा, और फीमेल कैंडिडेट जो होंगी उनके लिए 2.4 किलोमीटर 60 मिनट में करना होगा। और फिर इसके बाद अगर आप ये यहाँ से पास करते हैं तो फिर आपको आगे स्टेप में भेजा जाएगा, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और मेडिकल भी होगा। तो अब हम सिलेबस की अगर बात करते हैं, रिटन एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो इसमें सारा सिलेबस है, सामान्य हिंदी, ठीक है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। तो ये सारा सिलेबस तो मैं इस वीडियो में पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं ये पीडीएफ को जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ये पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस पीडीएफ में जो है ये सिलेबस है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से पढ़ लीजिएगा ये सिलेबस को। ठीक है, काफ़ी सारा सिलेबस है तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है इस पीडीएफ के अंदर ही। ये जो ऊपर ये देखिए, ये पूरा हिंदी में है, ठीक है, ये पूरा हिंदी में बताया है, और नीचे आप जाएंगे तो इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में भी मिल जाएगा ये सिलेबस। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है। अब आगे चलते हैं हम सिलेबस के बाद, अब आगे मैं बताता हूँ कि एसआई की जो है तैयारी कैसे करें। तो एसआई की परीक्षा में सफल होने के लिए आपको पूरी लगन के साथ मेहनत तो करनी होगी ही, अपना 100% देना ही होगा, लेकिन साथ में आपकी कुछ स्ट्रेटजी जो है आपको वो अप्लाई करनी होगी। ठीक है, उसी के साथ ही आप कर पाएंगे। तो अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको सिर्फ एसआई बनने पर फोकस करना है। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप सभी एग्ज़ाम को देने के बारे में सोचें, आपका लक्ष्य सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अलग अलग एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे तो फिर आप अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप एक ही एग्ज़ाम को फोकस करें और उसी के लिए पूरी मेहनत करें। ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है टाइम टेबल बनाना। आप सबसे पहले टाइम टेबल ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, फिर स्टार्ट करिएगा, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही होगा। आपको रोज़ 5 से 7 घंटे टेबल के अनुसार ही पढ़ना होगा। आप जिस विषय में कमज़ोर हैं उस पर विशेष ध्यान देना होगा और उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा। आप इंटरनेट पर गूगल और यूट्यूब की मदद से भी एसआई की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आजकल काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे चैनल आपको ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं वो सभी एग्ज़ाम की, तो आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से उस तरह से पढ़ सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा मार्केट में कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करवाते हैं। आजकल काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर, आप ऑनलाइन भी कोचिंग कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको 2-3 साल के पेपर्स, जो पिछले 2-3 साल के पेपर्स हैं वो ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन और आ सकते हैं। रोज़ रिवीजन करना होगा और करंट न्यूज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये सबसे अच्छा तरीका करंट अफेयर्स का यही है कि आप रोज़ थोड़ा बहुत करते जाएं, और ध्यान रखें कि आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, जिससे आप जान सकें कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो आप टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट भी देते रहिएगा, और सबसे ज़रूरी बात, आपको हेल्दी फूड के साथ प्रॉपर नींद भी लेना है, क्योंकि स्वस्थ रहने पर ही आप पूरी तरह से किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं अच्छी तैयारी के साथ।
अब कुछ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं जो कि अक्सर लोग पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है? तो नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इस परीक्षा का जो सिलेक्शन है आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो कंपलसरी नहीं है। इंटरव्यू को हटा दिया गया है UPSI से। अगर हम UPSI की बात करें तो वहाँ पे अब कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है, प्रमोशन के द्वारा सिपाही से सब इंस्पेक्टर बनने में कितना टाइम लगता है? तो सिपाही पद से सब इंस्पेक्टर तक का सफ़र बहुत लंबा होता है। आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के आधार पर सिपाही रैंक से प्रमोट करके आपको पहले हेड कांस्टेबल बनाया जाता है, फिर ASI बनाया जाता है, और ASI पद पर 5 साल सफलतापूर्वक कार्य करने के बाद आपको प्रमोशन कोर्स करना होता है, जिसके बाद आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर दिए हैं। तो अब अगर आपका लक्ष्य SI बनना है तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। सिलेबस इस PDF में दिया है, ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर आप SI बनना चाहते हैं तो अभी से एक लक्ष्य बनाइए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैंने सारी डिटेल बता दी है आपको, और अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उसको भी इसकी जानकारी हो। अगर वो भी SI वगैरह बनना चाहता है तो वो भी इससे जानकारी लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।